नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लैपिकार 7838 में। और अभी अभी पाकिस्तान से खबर आई है कि घंटे के किंग जिम बाबर बाबर आजम को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके साथ साथ सोफे जैसे मुंह वाले शाहीन शाह अफरीदी और फर्जी देशभक्ति दिखाने वाले नसीम शाह को भी टीम से मक्की की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है ये हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जिससे आज आपको पाकिस्तान की उस घटिया मानसिकता का पता चलने वाला है जिसके कारण पाकिस्तान की क्रिकेट इस गर्त में पहुंच गई है। दरअसल बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट में भूचाल आ गया है और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी पाकिस्तान के क्रिकेटरों पर लानत फेंक रही है और उसी वजह से रोज नए नए बयान देखने के लिए सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में एक बयान दिया है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने। उनका बयान इतनी घटिया मानसिकता को दर्शाता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों आज इस गर्त में पहुंच गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने क्या कहा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने दरअसल में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो डाउनफॉल आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है PCB वो इस्लामिक जो इस्लामिक रूल्स है उनको फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, हर चीज को धर्म के एंगल से जोड़ देना इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बखूबी आता है और आज ऐसी भी टीम नहीं है जो अपने घर में खेलते हुए भी फाइट कर सके, लेकिन इनकी समझ में ये अभी भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है और पाकिस्तान के साथ उनको 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली है जिसका पहला टेस्ट मैच अभी खत्म हुआ है और उसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से हार मिली है। दरअसल पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच में जो पिच बनाई थी वो बिल्कुल हाईवे के जैसी थी, ना उस पर बॉल स्विंग हो रही थी ना बॉल उस पर स्पिन हो रही थी, जिस पर पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाजों ने तो रन बना दिए, लेकिन उन्हें कहां पता था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज उनसे भी आगे निकलने वाले हैं। और इंग्लैंड के बल्लेबाजों जो रूट और हैरी ब्रुक ने 13 शतक जड़ दिया, जो रूट ने 12 शतक जड़ दिया और पाकिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर भेजते और पहली पारी में ही 823 रन बना दिए और 7 विकेट खोकर अपनी पारी को घोषित कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की टीम जब सेकंड इनिंग में खेलने के लिए आई तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ते ही पाकिस्तान की टीम कोलैप्स हो गई और पाकिस्तान उस मैच को हार गया। इसके बाद पाकिस्तान में बुरी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ट्रोल किया जा रहा है और उसमें चाहे पूर्व क्रिकेटर हो या उनकी खुद की आवाम हो, सब उसमें शामिल हो गए हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की क्रिकेट को बुरी तरीके से रेला जा रहा है। इसी कड़ी में शुएब अख्तर ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि ये चने और दाल खाने वाले लोगों को रोटी दिख गई है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है और इनको टीम का क्या होना है क्या नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ रमीज राजा ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम को एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत है जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ चमत्कार हो सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बिल्कुल ढलान पर है और पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल पटरी से उतर गई है। और अब हम आपको बताते हैं कि क्यों बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को टीम से बाहर कर देगा। दरअसल घंटे के किंग बाबर आजम और सोफे जैसे मुंह वाले शाहीन शाह अफरीदी के बीच बगावत चल रही थी और इनका झगड़ा जो है बिल्कुल जग जाहिर है। हर किसी को पता है कि इन दोनों के बीच जो है फाइट चल रही है और ड्रेसिंग रूम का माहौल उसकी वजह से खराब हो रहा है। इसी के साथ साथ ये मैदान पर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम और लोग जो हैं इनके खिलाफ हो गए हैं और बिल्कुल इनको देखना नहीं चाहते कि ये टीम में बिल्कुल भी दिखे और इसीलिए इनको दोनों को टीम से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन नसीम शाह को टीम में और इसलिए रखा गया था क्योंकि वो फर्जी देशभक्ति दिखाते हैं हर जगह, तो सिक्स मार दिए और इधर कर दिया, वो उनके भी परफॉर्मेंस में कोई दम नहीं है किसी भी तरीके से और वो पिछले कुछ टाइम से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना उनकी बॉलिंग में रिदम है ना उनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है ना वो कुछ और कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। और फील्डिंग में तो क्या ही बताएं, पाकिस्तान की पूरी ही टीम की फील्डिंग माशाल्लाह है, आप जानते ही हैं, उसके बारे में मैं कमेंट करके बिना बात की वीडियो की लंबाई नहीं बढ़ाना चाहूँगा। और इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान की टीम को आप भी कुछ कहना चाहते हैं, दो शब्द उनकी तारीख में आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की टीम को कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। धन्यवाद।